किसी गांव में एक भूतनी रहती थी, वो किसी एक राजू को हमेशा ला कर डरवाती थी। एक दिन क्या होता है, राजू को टेंशन के मारे डॉक्टर ही जाता है, और डॉक्टर ही अपने माँ के साथ राजू जाता है, तो उसको कहीं भी भूतनी ही दिखाई देने लगती है। और डॉक्टर से बोलता है, अरे मैडम डॉक्टर मैडम डॉक्टर मैडम को देखो, मेरे सामने भूतनी खड़ी है, हम रात हो चाहे दिन हमको वही भूतनी दिखाई देती है, सपने में भी है सामने भी। इसके लिए डॉक्टर भी परेशान होकर बोलता है, अरे राजू चुप हो जाओ, कहाँ तुम्हें भूतनी दिखाई देती है, तुम पागल हो गए हो क्या। इतने में राजू पैर भाजने लगता है और टेंशन से हमारे बोलता है, देखो देखो मैडम डॉक्टर मैडम तुम्हारे पीछे भूतनी खड़ी है, हमको दिखाई दे रहा है। राजू की माँ भी बोलती है, हाँ मैडम तुम्हारे पीछे भूतनी खड़ी है। डॉक्टर बोलती है, अरे राजू तुम साइकोलॉजी है, तुम्हारा दिमाग में टेंशन घुस गया है, इसके लिए तुम्हें हमेशा भूतनी दिखाई देती है, हम लोग को भूतनी दिखाई नहीं देती है क्या, तुम पागल हो गए, तुमको भूतनी, तुम्हें साइकोलॉजी के दिमाग का टेस्ट कराना पड़ेगा, नाइक्रो टेस्ट कराना पड़ेगा, तुमको साइकोलॉजी टेस्ट कराना पड़ेगा, और तुम्हें भूतनी दिखाई देती है, हमें भी दिखाई देना चाहिए ना। बाद में मैडम बोलती है, ठीक है रुको बैठो बैठो, मैं तुम्हारा दिमाग का सर्च करता हूँ। हाँ मैडम मेरे बेटे को भूतनी दिखाई देती है, रात दिन उल्टा सपना देखता है, दिमाग पगलाया रहता है, हमको भी भूतनी दिखाई दे रही है, तुम्हारे पीछे मैडम खड़ी है, इसके लिए टेंशन से मैं गिर जाती हूँ। राजू कुमार टेंशन से गिर जाती है और भूतनी पीछे से चुहेल आकर के रामू को खड़ी रहती है और डॉक्टर को दिखाई नहीं देती है। चुहेल बोलती है, ठीक है तीनों लोग को तो मैं मार कर ही खा जाऊंगी, यहाँ क्या मजा आ रहा है। चुहेल भी पीछे पे डॉक्टर के पीछे खड़े रहती है और दिखाई नहीं, डॉक्टर को दिखाई नहीं देती है, राजू और उसकी माँ को दोनों को दिखाई देती है, और टेंशन के मारे राजू और डॉक्टर राजू की माँ दोनों डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर तुमको भी आज जान खतरे में है, चुहेल से बचो अपने जान, ना तो तुमको भी मार डालेगी। इतने में राजू गुस्सा होकर के चूहेल को मारने के लिए हाथ निकालता है और डॉक्टर से बोलता है, अरे डॉक्टर तुम्हारे पीछे चूहेल खड़ी है, तुम हट जाओ तो तुम्हें जान से मार डालेगी, मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए राजू की माँ और राजू दोनों लोग डॉक्टर को बोलता है कि हट जाओ, चूहेल मार डालेगी तुमको मैडम, लेकिन वो डॉक्टर मैडम मानती नहीं है। आखिरी में लास्ट में चूहेल क्या करती है, उसको पीछे से छूना भोंक देती है, मैडम को छूना भोंक देती है और उसको जान का खतरा में हो जाता है। राजू राजू बचाओ, राजू ना मुझे बचाओ, तो चूहेल हमको भी काबू में कर लिया, हमको पीछे छुड़ा, हमारा जान खतरे में है, बचाओ बचाओ। इतने में डॉक्टर को फिर मार देती है, ओके बच्चो थैंक यू।